अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एसकेएम 91 न्यूज। आइए देखते हैं आज की अहम खबर। खैरियत से हैं? ठीक है, ठीक है। अच्छा, कुछ आपसे बात करनी थी, आप मतलब दो मिनट बात कर सकता हूँ आपसे? बताइए क्या बात। सर, आपका मैंने बयान सुना था, आपने मतलब बोला यूपी में जितने सब उलमा है सब बेईमान है, गद्दार है, तो मतलब ये स्टेटमेंट सही है क्या आपका? हाँ सही है। कैसे सही है? आप मरेंगे तो आपको क्या कोई काफी आके जनाजा पढ़ाएगा आपका? आपका इंतकाल होगा तो आपका जनाजा तो कोई आलमी उलमा पढ़ाएगा कि कोई काफी आके पढ़ाएगा? बताइए आप, ये स्टेटमेंट सही नहीं है ना? आप जैसे इतने महान शख्सियत, इतने बड़े शायर अगर इस तरह कहते सर, अच्छा नहीं लगता ना? इसी के लिए आपने फोन किया है? नहीं, अरे सर, मैं आपको मैं आपका अपना एक छोटा भाई, छोटा बेटा होने के नाते ये कह रहा हूँ। मतलब ऐसा कुछ नहीं है, मतलब ये डायरेक्ट आप आलिम वाले में टारगेट कर रहे हैं, अच्छी बात नहीं है ना सर? ये इसके लिए मैंने बस आपको जो है आपसे मैं सोचा दो वर्ड बात कर लूँ, आपको आपको जो है बता दूं। और आपने एक बात ये भी कहा कि जो है ओवैसी, जो है ओवैसी साहब जो बीजेपी के एजेंट है, अब आप ये बताइए एजेंट कौन है? आपकी एक बेटी जो है कांग्रेस में, एक बेटी सपा में, तो एजेंट कौन हुआ? देखिए, मैं आपको जानता नहीं हूँ, आप किसके दलाल है, इसलिए मैं आपसे बात करना पसंद। मैं किसी का दलाल नहीं, आप किसके दलाल है ये बताइए। अच्छा, बेहुदा बेहुदा क्या बदतमीज कहीं बोलू? हम उसको कह रहे दलाल, मैं दलाल हूँ? हाँ, तू दलाल है। तब आपकी बेटी है तो एक तो कांग्रेस में, एक सपा में, तो दलाल कौन हुआ? तू दलाल हुआ दे? मैं कैसे दलाल हुआ? आप किसी का दलाल इतने बात कर रहे हैं मुझसे? दलाल मैं दलाल थोड़ी नहीं हूँ। दलाल तू दलाल इतने बोल रहा है दे मुझसे? और तू बोल रहा है ओवैसी को, मतलब ओवैसी की मदद से, ओवैसी की माँ की चोट? अरे चुप रहो, फालतू मत बोलो, समझे? उल्लू का बच्चा। और सुनो, एक बात सुनो, एक बात सुनो, बात सुन बुड्ढा, बात सुन।